जीवन का मार्ग ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वो आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचाने और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए।